अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हमने लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है पार्ट टू का, वो है फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप क्या चीज़ होती है कि कोई एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हुज प्रेजेंस इम्पॉर्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी हम ये कहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा कोई एटम हो सकता है, कोई ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई करते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को हम उसकी बेस पे डिस्क्राइब करते हैं। हमें और आसान कदम कहते हैं कि वो ग्रुप ऑफ एटम या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिससे हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी के बारे में पता चल जाता है। जैसे हम कहते हैं कि जब भी हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखते हैं तो हमारे माइंड में फौरन आता है कि वो क्या है जी, अल्कीन। यानी अल्कीन जो है क्लास, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो डबल बॉन्ड है। इसकी सिंपल एग्जांपल ये इथीन है। जब हमारे माइंड में आता है ये अल्काइन, तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड क्या है जी, फंक्शनल ग्रुप है। यहां पे अल्कोहल, इसमें OH, ये इसका क्या है जी, फंक्शनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो ये हमारे पास सिंपल एग्जांपल एथानॉल है। अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं तो यहां पे X क्या है, इसका फंक्शनल ग्रुप। X का मतलब क्या है जी, कोई भी हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास इथाइल क्लोराइड है। तो वो कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई कर दे, उसे हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। हमारी बुक में काफ़ी सारे बने हुए हैं टेबल फंक्शनल ग्रुप के बाद लिखा हुआ है, और हमारे बुक के अंदर जो चैप्टर्स के नेम है वो इन्हीं क्लासिफिकेशन की बेस पे रखे गए हैं। जैसे हमारा चैप्टर नंबर 8 है वो एलिफैटिक कंपाउंड है, उसमें हमने अल्केन अल्कीन अल्काइन पढ़ना है। इसी तरह से जो चैप्टर नंबर 10 अल्काइल हैलाइड है, 11 में अल्कोहल ईथर पढ़ना है। तो इस तरह हमने ये सारे जो हमारी बुक के अंदर चैप्टर्स के नेम है वो सारे फंक्शनल ग्रुप ये लिखे हुए हैं। उसके बाद हमारे पास है जी नेक्स्ट, जो हमारे पास ईथर, ईथर का जो फंक्शन ग्रुप है वो ऑक्सीजन है, जो ब्रिज बना हुआ है दो कार्बन अल्काइल ग्रुप के दरमियान। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन है, ये दो अल्काइल ग्रुप के दरमियान कनेक्टेड है, और ये आपके पास क्या है, इसकी एग्जांपल सिंपल। फिर है जी अल्डिहाइड कीटोन, अल्डिहाइड कीटोन दोनों के अंदर जो है वो सिमिलर चीज़ क्या है कि इनके अंदर ये कार्बोनाइल ग्रुप है, लेकिन अल्डिहाइड के एक तरफ हाइड्रोजन होना ज़रूरी है जबकि कीटोन के दोनों तरफ अल्काइल होना ज़रूरी है। अगर एग्जांपल की बात करें तो ये हमारे पास एसेट अल्डिहाइड यानी एथानल है, ये हमारे पास प्रोपानोन या डाई मिथाइल कीटोन है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आती थी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शन ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसकी सिंपल एग्जांपल क्या आती है, एथानोइक एसिड बोल लें, एसिटिक एसिड बोल लें, ये इसका एग्जांपल है और ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। एसिड हैलाइड, इसमें हमारे पास ये आपके पास इसका फंक्शन ग्रुप है कि कार्बोनाइल के साथ हैलोजन एटम जो है वो अटैच होता है। इसकी एग्जांपल ये वाली है, इसको हम एसाइल क्लोराइड बोल लें, इथोनाइल क्लोराइड बोल लें, या सिंपल एसिड हैलाइड बोल लें, ये सारे इसी के नेम हैं। फिर आ गया जी एसिड अमाइड, इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, इसमें दोनों में कार्बोनाइल, यहाँ पे हैलोजन था, इसके साथ हमने NH2 अमाइनो ग्रुप लगाया हुआ है। इसका सिंपल स्ट्रक्चर ये है जी, एसिड अमाइड बोलते हैं इसको। सियानो ग्रुप है, CN को बोलते हैं सियानो ग्रुप, और इसको ये सिंपल एग्जाम्पल ये हमारे पास इथेन नाइट्राइल बोल लें, या इसको हम इथाइल मिथाइल साइनाइड भी बोल सकते हैं, लेकिन इथेन नाइट्राइल इसका जो है वो आयोपिक नेम बनता है। तो इसी तरह से हमारे पास बाकी भी सारे जितने फंक्शन के बुक में यूज़ में उन सब के हैं। तो हम कहते हैं कि वो अब हमें इनके अंदर जो इनकी जो स्पेसिफिकेशन का पता लग रहा है, या इनकी जो प्रॉपर्टी का, या इनकी जो पहचान हो रही है वो जिस बेस पे हो रही है, जब भी डबल बॉन्ड आ जाए हम कहते हैं अल्कीन है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए हम कहते हैं अल्काइन है, OH आ जाए हम कहते हैं जी अल्कोहल ग्रुप है, और हैलोजन आ जाए हम कहते हैं जी अल्काइल हैलाइड आएगा। इसी तरह से ये जो ग्रुप ऑफ एटम, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, या कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी स्पेसिफाई हो जाए, हम कहते हैं कि वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप्स। थैंक यू।